कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल के निधन के बाद उनके वतन पीरामण गांव में कल उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक दफन विधि की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के चाणक्य कहे जाते और सोनिया गांधी के राजकीय सलाहकार अहमद पटेल कोरोना संक्रमित होने के बाद करीबन एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। लंबी इलाजी प्रक्रिया के बाद आज अहमद पटेल का निधन हुआ। जुए निधन के समाचार के साथ राजकीय माहौल और उनके वतन भरूच शहर में गहरा शोक छाया है। कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की इच्छा थी कि उनकी दफन विधि उनके वतन पीरामण गांव माता पिता की कब्र के बाजू में ही की जाए, जिसको लेकर पीरामण गांव में अहमद पटेल की दफन विधि की तैयारी शुरू कर दी गई है। पीरामण गांव में कब्र खोदने के साथ नमाज पढ़ने की जगह के लिए हेलीपैड पर भी सफाई कामगिरी का प्रारंभ किया गया है, तो वहीं उनके निवास स्थान पर भी भारी लोग उमड़ रहे हैं। मिली जानकारी के आधार पर आज शाम अहमद पटेल का पार्थिव देह विशेष विमान के जरिए वडोदरा लाया जाएगा और बाद कल गुरुवार को पीरामण गांव में सुबह दफन विधि संपन्न की जाएगी। आज जो सवारे 4:15 मैंने टेलीफोन संदेश द्वारा अहमद भाई निधन का समाचार मिला, खूब आघातजनक समाचार था। मानी सकाय एवा पण नहोता, कारण के अमे लोको सतत दिल्ली संपर्क में था, एमनी तबियत स्टेबल थी, आउट ऑफ डेन्जर था। अचानक अमने समाचार मिला कि एमनु निधन थयु छे, खूब दुखद छे। अमारा कांग्रेसजनों माटे तो छे से, साथे साथे भरूच जिल्लाना सौ प्रजाजनों माटे पण एटला दुखद समाचार छे। अहमद भाई पटेले भरूच जिल्ला माटे एक विशेष लागणी धरावता हता। अहमद भाई हमेशा भरूच जिल्ला ने एक अलग महत्व आपता था, अने एमणे भरूच जिल्लाना लोकोनी सुखाकारी माटे हमेशा प्रयत्नशील रहता था, अने वधुमां वधु लोकोनी सुखाकारी थाय अने वधुमां वधु लोकोने मददरूप थवाय एवी हमेशा एमनी एक इच्छाओ रहती हती। अहमदभाई पटेले भरूच जिल्लाना विकास माटे जे कार्यो कर्या छे, ए इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाव्या होय, रेलवेनी लाइनो नवी नखावी होय, आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाव्या होय, हॉस्पिटलो बनावी होय, शैक्षणिक संकुलो बनाव्या छे, आ बधा ज बनाव्या छे। आ जेटली भी अहमदभाई विकासना कार्यो कर्या छे, ये कार्यो करो, ये कार्यो अहमदभाई ने हमेशा जीवंत राखशे। अहमदभाई भरूच जिल्लाना प्रजामानसमांथी कदी ए विसराय एवुं नथी। अहमदभाईनुं निधन थयुं छे ए सत्य हकीकत छे, परंतु अहमदभाई जे विकासना कार्यो करेला हता ए कार्यो एमने हमेशा जीवंत राखशे। आजे अमे लोको पीरामणमां छीए, अमे ए ज पीरामणने जोयुं छे कि ज्यां सैकड़ो गाड़ियो होय, सैकड़ो लोको होय, અને સેંકડો લોકોને અહમદભાઈ હંમેશા હસતા હસતા એ લોકોની વાતો સાંભળતા હોય અને એમને આશ્વાસન આપતા હોય, અને અહમદભાઈને જ્યારે પણ જે પણ વ્યક્તિ મળીને નીકળે તે હસતો જ નીકળે એવા અમે અનેકો ઉદાહરણ જોયા, હજારો ઉદાહરણો જોયા છે। અમે અહમદભાઈ અહીંયા આવે ત્યારે સવારથી લઈને રાત સુધી અહીંયા હોઈએ છીએ, અમે જ્યારે જ્યારે બે જોયું છે આ એક એવું વ્યક્તિત્વ હતું કે જે વ્યક્તિત્વએ હંમેશા લોકોને ખુશ રાખ્યા છે। કોઈ એમના પાસેથી નારાજ થયું હોય ને ઉદાસ થઈને ગયું હોય એવું અમારા તો ધ્યાન પર નથી, એટલે આ એક એવા વ્યક્તિત્વ કે જે આજે આપણી વચ્ચે નથી, કે કોંગ્રેસ પક્ષ જ નહીં પણ સામાન્ય પ્રજાજનો છે, લોકો છે, સૌના માટેનું એક એવું નુકસાન છે કે જે કદીએ ભરપાઈ નહીં થઈ શકે।